ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन थ्री। ठीक है, तो फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एक है, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉन स्विमर इज 1/6, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉन स्विमर इज 1/6। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फोर आउट ऑफ फाइव आर नॉन स्विमर्स। ठीक है, ये हो गया। तब इसमें हमारे पास फिर से वही दो केसेस हैं, या तो स्विमर या तो नॉन स्विमर, है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी जो नॉन स्विमर होने की, हमें फाइनली नॉन स्विमर निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी नॉन स्विमर होने की क्या है, 1/6, है ना। तो मतलब जो मैं चाहता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 कि नॉन स्विमर हो। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, आउट ऑफ 5 निकालने हैं हमें, है ना। ये हो गया, और निकालने कितने हैं, 4, है ना। तो ये मेरा आर है वो 4 हो जाएगा, और जब पी 1/6 है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्यू कितना हो जाएगा, 5/6। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि आर 4 कैसे आया, है ना, क्योंकि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 5 है, उसमें से मैं चाहता हूं कि 4 नॉन स्विमर निकले। ठीक है, 4 नॉन स्विमर निकले, तो ऐसा होगा कि मैं जो चाहता हूं वो कितनी बार होगा, 4 बार, जैसा कि पिछली बार बताया था, है ना। ये एग्जाम्पल बिल्कुल उसी की तरह है पिछली बार की तरह। ठीक है, तो फिर इसमें सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा, 4 आउट ऑफ 5 आर नॉन स्विमर्स। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक इवेंट डिफाइन कर दिया ए, कि 4 आउट ऑफ 5 आर नॉन स्विमर्स, और फिर पी ऑफ ए लिखा, या पी के अंदर डायरेक्टली ये लिख दिया। खैर तो काफी लंबा है, अगर जैसे छोटे छोटे आए कि 2 हेड्स, तो यहाँ पे बस 2 हेड्स लिखना पड़ेगा, तो उस केस में डायरेक्टली लिख देना, नहीं तो एक अलग से इवेंट डिफाइन करना बेस्ट होता है, उससे थोड़ी क्लैरिटी भी रहेगी। तो ये हो गया, तो 4 आउट ऑफ 5 आर नॉन स्विमर्स, तो इसमें लगाते हैं वही फॉर्मूला, NCR इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर n-r। ठीक है, तो यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग से अच्छा पुटिंग वैल्यूज लिख देते हैं।
पुटिंग वैल्यूज, तो ये हो गया फाइव सी फोर इंटू वन बाय सिक्स की पावर फोर इंटू फाइव बाय सिक्स की पावर फाइव माइनस फोर वन, तो नीचे क्या हो गया सिक्स की पावर फोर इंटू सिक्स की पावर वन, सिक्स की पावर फाइव बन गया, ऊपर तो फाइव ही रह गया। फाइव सी फोर क्या हो गया मेरा, फाइव सी फोर अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्टली वहाँ लिख देंगे फाइव फैक्टोरियल बाय फाइव फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव माइनस फोर वन फैक्टोरियल, तो वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, फोर फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल को काट देगा तो बचेगा फाइव, ठीक है, फाइव फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, तो फाइनली फोर फैक्टोरियल कट जाएगा और बचेगा फाइव, तो ये बचा फाइव, ऊपर और एक फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स की पावर फाइव, ये फाइनली आ गया ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स की पावर फाइव, है ना, तो ये हो गया फोर आउट ऑफ फाइव नॉन स्विमर्स होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये और पिछला वाला एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर था, इसमें पिछले वाले में हमने देखा था सेम टू सेम किया था, और उसमें हमने आर टू निकाला था, आर टू कैसे निकाला था कि मैं चाहता था कि दो हेड आए, है ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि चार बच्चे निकले नॉन स्विमर, तो मैं जितने बार जो चाहता हूँ वो आर की वैल्यू होगी, एन की तो टोटल वैल्यू होती है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने भी होते हैं, जितने बार मैं ट्राई करूँगा वो एन हो जाएगा, है ना। जैसे इस केस में एन फाइव है, मतलब मैं फाइव स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, तो मेरा देखना एक ट्रायल हो गया, तो इस केस में मेरा ट्रायल का नंबर है फाइव और आर है करस्पॉन्डिंगली फोर, और प्रोबेबिलिटी का डेटा मुझे पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में ही,